दहशत गर्द चार दफा मेरे पे भी हमला किया है और मेरे मोहल्ले में आपको पता है कि जो लोग गली से तलक रखते हैं उनको पता है कि हमारी गली से भी पांच जनाजे उठे हैं, चार जनाजे उठे हैं। और मैंने आधे साल ही मीटिंग भी की है और मुझे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने 4 बजे फोन किया और कहा कि मेरा जहाज लेकर जाओ और जाकर उनको ये पैगाम दो कि किसी सूरत में भी इन हमलावरों को जिन्होंने 11 शहदा को और लातदार लोगों को जख्मी किया नहीं छोड़ेंगे। और यही पैगाम मैंने अपनी अजीम अफवाज को भी यहाँ पहुंचते साथ दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुजरम नहीं बच सकेंगे, अल्लाह और रसूल के हुक्म से ये नहीं बचेंगे। और मैं आपको मिसिंग पर्सन का आप मुझसे मीटिंग बेशक अभी कर लें, बेशक सुबह कर लें, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करा देता हूँ किसी 3-4 दिन में, ताकि ये रोज रोज, क्योंकि जो हजारा कबीले के साथ ज्यादती हो रही है, आपका पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना किसी और का है, आप पाकिस्तान के इतने ही मुहब्बे वतन है जितना कोई और मुहब्बे वतन है। आप जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं ये आप हम पे एहसान कर रहे हैं और जिस तरह आपको निशाना बनाया जा रहा है ये जुल्म है, ये ज्यादती है। मैं बतौर वजीर दाखिला इसकी ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ लेकिन आप यकीन जाने मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि आप वो अजीम लोग हैं कि जो जाने भी देते हैं, जो कुर्बानियां भी देते हैं और मुल्क के साथ वफादारी भी निभाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका मकाम आपकी शहादतों का बुलंद तरीन मुकाम है। मैं जनाब हाशिम मुस्वी साहब को और आगा रजा साहब को ये कमेटी बना लें मिसिंग पर्सन की, तो मैं 15 चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, 15 लाख रुपया पर हेड फी शहादा का, शहादा की कीमत तो कोई नहीं, शहादा की अजमत तो अल्लाह और उसके रसूल के पास है, अहले बैत के पास है। मैं सुनी जरूर हूँ लेकिन मैं दरबान हुसैन भी हूँ, आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। जमात से तल्लक रखता हूँ लेकिन पाकिस्तान के कूचे में मैं दरबान हुसैन हूँ। मेरे शहर के अहले तशी से आप पूछ सकते हैं कि मेरे शहर में कैसे रिश्ते और तल्लक हैं। और मैंने आने से पहले मोहतरम इलामा नासर साहब, राजा नासर अब्बास साहब से भी अर्ज की, उन्होंने कहा आप जाएं, मैं आपकी खिदमत में प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके आया हूँ, 5 लोगों की कमेटी बना लें, 10 मेम्बरों की कमेटी बना लें। परसों इसी हफ्ते के अंदर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि 15 लाख रुपया ये देंगे चीफ सेक्रेटरी, देखे जी मुझे खराब ना करना मेरी उम्र इतनी है, और 10 लाख रुपया पर है जिसका मुझे इख्तियार मिला है, मैं इन शहीदों की लाशों के सामने ऐसी बात नहीं कहना चाहता, 10-10 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलेगा और 15 लाख रुपया इनको मिलेगा चीफ सेक्रेटरी।